मैं डॉक्टर बी एल मीणा बी ए पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर तुलनात्मक शासनीय राजनीति। देखिए पिछले अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे स्विट्जरलैंड की संघीय संसद। संघीय संसद के दो सदन बताए थे आप लोगों को, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। आज हम चर्चा करेंगे संघीय सरकार, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका यानी संघीय सरकार की चर्चा करेंगे। संघीय सरकार की रचना, देखिए नवीन संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक संसद की संघीय सरकार की रचना, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। यानी संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत विवेचन किया गया है। यानी अनुच्छेद 174 में ये कहा गया है कि संघीय सरकार स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता। अनुच्छेद 175 में कहा गया है कि संघीय सरकार के 7 सदस्य होंगे और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में से किया जाएगा। संघीय दोनों सदनों की संयुक्त, संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों से ही निर्वाचित किए जाते हैं, सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं। संघीय सरकार के सदस्य न तो पेंटन के अधीन कोई पद धारण कर सकते हो, न ही उनमें किसी प्रकार का व्यवसाय करने की आज्ञा। संघीय सरकार में 4 जर्मन भाषा भाषी, 2 फ्रेंच भाषा भाषी तथा 1 इटालियन भाषा भाषी होते हैं। यानी सारांश ये है इसका विवेचन कि संघीय स्विट्जरलैंड की सरकार, स्विट्जरलैंड में सरकार के 3 अंग हैं, संघीय संसद, संघीय सरकार और संघीय न्यायाधीश। कल हमने चर्चा की थी संघीय संसद की, आज हम चर्चा कर रहे हैं संघीय सरकार की। संघीय सरकार में 7 सदस्य, यानी स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका एक बहुल कार्यपालिका जिसमें 7 सदस्य और 7 सदस्यों को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं और प्रत्येक प्रतिवर्ष के लिए 1 सदस्य उसका अध्यक्ष होता है और बाकी इसका निर्वाचन करते हैं। तो यानी कि संघीय, अब इसका जो कार्यकाल है कि संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष का निश्चित किया गया है। इनका कार्यकाल प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है और स्विस संसद भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के बाद में संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार। यानी संघीय सरकार का कार्यकाल वैसे 4 वर्ष का निश्चित है, परंतु अगर संघीय संसद भंग हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में जब नई संघीय संसद का निर्वाचन हो जाता है तो उसके बाद में इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। मृत्यु, त्यागपत्र या किसी कारण यदि 4 वर्ष की अवधि के पूरी संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए व्यक्ति का चुनाव करता है। यानी पूरे कार्यकाल के नहीं, केवल शेष अवधि के लिए वो इसके सदस्यों का कार्यकाल करता है और पुनर्निर्वाचन पे कोई प्रतिबंध नहीं। स्विस कार्यपालिका, स्विस संघीय सरकार में जैसे मोटा 30 वर्ष तक, कोक 27 वर्ष तक और बेल्टी 25 वर्ष तक संघीय सरकार के सदस्य रहे, यानी इसके पुनर्निर्वाचन पे कोई प्रतिबंध नहीं। संघीय सरकार के कार्यकाल वैसे 4 वर्ष का निश्चित है, परंतु अगर किसी सदस्य की वजह से 7 सदस्य में कोई भी सदस्य अगर पद रिक्त हो जाए किसी सदस्य कारणवश, तो शेष अवधि के लिए संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उस सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इसके वेतन अधिकार उन्मुक्ति, संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन संघीय संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्तियों को यदि उन्होंने 10 वर्ष तक संघीय सरकार के सदस्य रह चुके हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद 40 से 60% के बीच का एक तरह से दिया जाए वेतन का भुगतान किया जाता है। संघीय सरकार के मंत्रियों का वेतन अन्य देशों के प्रतिनिधि बहुत कम है। ये संघीय सरकार के जो प्रतिनिधि बड़ी सादगी से रहते हैं, इनके पास में ये संघीय संसद के अधीन, यानी कि स्विट्जरलैंड की व्यवस्था कार्य स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में संघीय संसद ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगी संघीय परिषद। संघीय सरकार के सदस्यों को लगभग वे ही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त जो संघीय सदस्य संसद के सदस्यों को। अपने कार्यकाल में संघीय सरकार के सदस्य सैनिक सेवा से मुक्त है और उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं। यानी बात वही है, जो संघीय संसद के सदस्यों को जो स्वतंत्र विशेष अधिकार प्राप्त है वही स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के सदस्यों को, यानी उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनको भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का है। ये 4 वर्ष तक केवल और केवल संघीय संसद के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, वरना इनको कार्यकाल से पहले नहीं हटाया जा सकता। अब हम चर्चा करते हैं कि स्विट्जरलैंड संघीय सरकार के अध्यक्ष या स्विस राजमंडल, यानी इन 7 सदस्यों में से प्रति वर्ष एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता है स्विस राज्यमंडल का, उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। अन्य देशों की तुलना में जैसे अमेरिका राष्ट्रपति या दूसरे देशों के जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति को जो अधिकार है जो उतना शक्तिशाली राष्ट्रपति नहीं है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति, वो केवल एक नाम मात्र का है। राज्य राज्य राष्ट्रपति के रूप में वो संघीय सरकार के सभापति के रूप में काम करता है। राजनीतिक इसके संघीय सरकार के 7 विभाग होते हैं पहले से ही, जब से स्विट्जरलैंड संविधान की रचना हुई। एक राजनीतिक विभाग, न्याय और पुलिस विभाग, गृह विभाग, सेना विभाग, वित्त एवं प्रशुल्क विभाग और सार्वजनिक अर्थ विभाग। यानी इनकी जो कार्य एवं शक्ति हैं, नवीन संविधान के अनुसार अनुच्छेद 180 से 187 तक संघीय सरकार के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया। कार्यपालिका शक्ति, सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध, शासन व्यवस्था का संचालन, वैदेशिक संबंधों का संचालन, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा और संघीय सेना पर नियंत्रण, यानी कि ये इसकी कार्यपालिका शक्ति है कि शासन व्यवस्था का संचालन करना, सरकारी नीति का निर्धारण करना, विदेश संबंधों का संचालन करना, आंतरिक और स्विट्जरलैंड के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से सुरक्षा प्रदान करना और संघीय सेना पर नियंत्रण स्थापित करना। इसकी विधायी शक्तियाँ, संघीय सरकार स्वेच्छा से संघीय सभा के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। संघीय सरकार को सदस्य किसी विषय पर महत्व कर सकते हैं, उस पर लोक निर्णय कराया जा सकता है। और लागू होने वित्तीय शक्तियां, संघीय बजट तैयार करती है, संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय सरकार करती है और अन्य जो कार्य है वे की निगरानी, ये सब संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का अनुच्छेद 186, संघीय सरकार कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करती है, वह कैंटनों के वित्तीय सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। कैंटनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधेयकों या संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य, जो भी कोई विधेयक तैयार किए जाते हैं तो उसमें संघीय सरकार की अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है। और संकटकालीन जो शक्तियाँ हैं उनको नहीं प्राप्त हैं संघीय सरकार को, ये सारी शक्तियाँ जो हैं, यानी जो विशेष शक्तियाँ हैं, जो पावर्स है स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में, वो संघीय संसद के पास में है, नहीं कि संघीय सरकार के पास में। तो यानी संघीय सरकार की जो विशेषता है, भाई बहुल कार्यपालिका है, इसमें अनुच्छेद 175 के अनुसार इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय है, ये स्थायित्व है, निर्दलता है, विशेषज्ञों की राय है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार, देखिए पहले इसको स्विस संघीय परिषद कहा जाता था, परंतु वर्तमान समय में इसका जो नए संविधान के तहत जो 1999 से लागू हुआ संविधान के तहत इसका नाम संघीय सरकार कर दिया गया, जिसके 7 सदस्य होते हैं और इन 7 सदस्यों में प्रतिवर्ष 1 सदस्य को राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का पद प्राप्त है। और ये सारे सदस्य और इसकी 7 समितियां होती हैं, इन समितियों की ये सारे एक एक सदस्य और समिति का अध्यक्ष होता है। इस समिति के अंतर्गत जो संघीय सरकार की जो 7 विभाग है, 7 समितियां हैं, जैसे राजनीतिक विभाग है, न्याय और पुलिस विभाग है, गृह विभाग है, सेना विभाग है, वित्त और प्रशुल्क विभाग है, सार्वजनिक अर्थ विभाग है, डाक और रेल विभाग है। तो ये जो संघीय सरकार के जो 7 महत्वपूर्ण जो विभाग हैं, इन विभागों के प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और ये परिवर्तित होते रहते हैं, परमानेंट नहीं रहते हैं 4 साल तक। हर विभाग का अध्यक्ष दूसरे बार दूसरे विभाग का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष दूसरे विभाग का अध्यक्ष होता है। तो इस प्रकार ये 7 सदस्य परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये थी स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार, फेडरलिज्म गवर्नमेंट और उसकी रचना, कार्य एवं शक्तियों का, यानी कि नवीन संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की रचना, कार्य एवं शक्तियों का जो वर्णन किया है, इसके बारे में हमने आपको विस्तृत चर्चा की गई है।
और आज का हमारा जो ये टॉपिक है यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लोग को हैं किसी दूसरे विषय पर लेकर चर्चा करेंगे।